मैं अपने सोलमेट की सर्च हिस्ट्री देख सकती हूँ या उसका रिसेंटली वॉच। ये दोनों ही ऑप्शन मेरे सोलमेट को अच्छे से एक्सपोज करने वाला है। सोलमेट सर्च हाउ टू यूज फेस टाइम रिएक्शन। वेल, ये काफी रिलेटेबल है क्योंकि मुझे भी अभी तक समझ नहीं आया कि इसे कैसे यूज करते हैं। तो इस बार मेरे सोलमेट ने सर्च किया है कि क्या टूथपेस्ट एक्ने ठीक करने में हेल्प करता है। गुड लक सोलमेट, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से तो टूथपेस्ट एक्ने पे वर्क नहीं करता। रिया, तो तुम आज अपने सोलमेट के बारे में कौन सी चीज देख सकती हो? मैं अपने सोलमेट के फोन का स्क्रीन टाइम देख सकती हूँ, और जितना मैंने अभी तक देखा है उसके हिसाब से पक्का मेरा सोलमेट एक गेमर है, क्योंकि उसके फोन का स्क्रीन टाइम अभी से ही 14 आवर्स शो कर रहा है। या फिर हो सकता है कि उसे इंसोम्निया हो। हाँ, हो सकता है। मेरा सोलमेट तो काफी सीधा साधा है, दूसरे शब्दों में कहूँ तो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट लड़का, पर हाँ उसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा। क्या मेरे सोलमेट ने अभी सर्च किया कि एक बॉडी को छिपाने के लिए बेस्ट प्लेस कौन सी है? यू नो व्हाट रिया, मैं अपने सोलमेट के बारे में कहे हुए वर्ड्स को वापस लेती हूँ, क्योंकि अभी अभी उसने जो सर्च किया है वो एक सीधा साधा इंसान तो कभी सर्च नहीं कर सकता। उसने ऐसा क्या सर्च किया है मिंकी? यही कि एक बॉडी को छिपाने के लिए बेस्ट जगह कौन सी है। ओह माय गॉड, आप मेरे सोलमेट ने सर्च किया है कि ऐसे कौन से सीरियल किलर्स हैं जो कभी पकड़े नहीं गए। यू नो व्हाट, अब मेरा शक यकीन में बदल गया है। मे बी मेरा सोलमेट एक ऐसा इंसान है जिसे क्राइम करने से प्यार है, कुछ ज्यादा ही प्यार। ऐसा क्या करें कि हमारे फिंगरप्रिंट्स किसी चीज पे रह ना जाए? लो, एक और बेनिफिट ऑफ डाउट, अब तो मुझे पूरा यकीन है कि एक सीरियल किलर ही है। आज मैं अपने सोलमेट का बॉडी काउंट देख सकती हूँ या उसका लास्ट मील। मैं ये देखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि उसने अब तक कितने लोगों को मारा है, इसलिए क्या मेरे सोलमेट का लास्ट मील चिकन है? इसका मतलब है कि वो एक नॉन वेजिटेरियन है, पर मैं तो एक वेजिटेरियन हूँ। बस आई होप कि वो कैनिबल ना हो। फिश, क्या वो नॉनवेज के सिवा कुछ और खाता भी है? अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, हे भगवान। तो मेरा भाई इस वक्त कंप्लीट नॉन वेजिटेरियन डाइट पर है, जो कि वो इंटरनेट से देख के फॉलो कर रहा है, जिसे मैं वर्षा। वेट, आयशा, क्या तुमने ये कहा कि तुम्हारा भाई सिर्फ नॉन वेजिटेरियन डाइट पर है? पहली बात मिंकी, मैं तुमसे बात नहीं कर रही थी। क्या तुम सीधे मुझे जवाब नहीं दे सकती? क्या तुम्हारे भाई ने ब्रेकफास्ट में चिकन खाया था? हाँ, क्या तुम मेरे भाई को स्टॉक कर दिया? ओह माय गॉड, यह मिंकी कितनी अजीब है। रिया, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, बहुत बड़ी। क्या तुम्हारे सोलमेट ने फिर से किसी की जान ली? मैं उस बात पर अभी भी श्योर नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि आयशा का भाई मेरा सोलमेट है। ओह माय गॉड, वो 35 साल का बुड्ढा? नो, तुम दोनों के बीच तो बहुत ज्यादा एज डिफरेंस है। मुझे कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही होगा जिससे मैं अपने सोलमेट को चेंज कर सकूं। पर मिंकी, ऐसा भी तो हो सकता है कि आयशा का भाई तुम्हारा सोलमेट ना हो, तो क्यों ना हम कल तक का वेट करें ताकि तुम्हारे नेक्स्ट ऑप्शन तुम्हारे सोलमेट के बारे में तुम्हें बेटर हिंट्स दे पाए। यू, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम लोगों ने मेरे लिए ऐसा सोलमेट चूज किया है। तो आज मैं देख सकती हूँ कि मेरा सोलमेट कब क्या कर रहा है या मेरे सोलमेट के पास जीने के लिए कितना टाइम है। अगर मैं ये देखना चूज करती हूँ कि मेरा सोलमेट कब क्या कर रहा है, तो मेरे लिए जाना बहुत इजी हो जाएगा कि मेरा सोलमेट आयशा का भाई है या नहीं। क्या ये? ओह माय गॉड, ये तो कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई। आई होप मेरा सोलमेट स्कूल में हो। ओके, तो वो एक कार में है, पर वो उस कार से स्कूल आ रहा है या ऑफिस जा रहा है, क्योंकि शायद वो एक 35 साल का बुड्ढा है। मिंकी, क्या तुम ठीक हो? नहीं, ये जानने के बाद कि मेरा सोलमेट कौन है, मैं पागल हुई जा रही हूँ। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। क्या तुम्हें पता चला कि तुम्हारा सोलमेट कौन है? अभी तक तो नहीं, पर मैं उसका हार्ट रेट देख पा रही हूँ और उसकी हार्ट बीट 40 बीट्स पर मिनट पर चल रही है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये कम है? यस मिंकी, क्या कोई बात है जो तुम चिल्ला चिल्ला कर पूरी क्लास को बताना चाहती हो? हाँ गाइस, मेरा सोलमेट एक 35 साल का बुड्ढा नहीं है। अरे वाह, तो अब बेहतर होगा कि तुम क्लास में ध्यान दो। यस मैम। मैं आई कम इन मिस बेला? कम इन। लेट आने के लिए माफी चाहता हूँ मिस। कोई बात नहीं रोहन, आज तुम्हारा स्कूल में पहला दिन है, पर तुम आगे से ध्यान रखना। मिंकी, तुम्हारा सोलमेट भी तो अभी अभी स्कूल आया है ना? हाँ। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज वेलकम रोहन, ये हमारे क्लास में न्यू है, तो तुम सब इससे फ्रेंडली बिहेव करना। हेलो रोहन। तो आज मैं अपने सोलमेट का बॉडी काउंट देख सकती हूँ या उसके पास कितना टाइम बाकी है वो। मुझे कभी ना कभी तो उसका सामना करना ही होगा। ओके, तो ये 3 नंबर उसे एक सीरियल किलर बनाता है या सिर्फ एक मर्डरर? यू नो व्हाट, मुझे नहीं जानना, क्योंकि है तो वो एक क्रिमिनल ही। कम ऑन। मिंकी, तुम कई घंटों से अपने फोन में लगी हो, आखिर तुम कर क्या रही हो? मैं अपने सोलमेट को चेंज करवाने की कोशिश कर रही हूँ। बट तुम्हारा सोलमेट वो न्यू स्टूडेंट रोहन भी तो हो सकता है, और वो तो काफी क्यूट है। हाँ, उसकी शक्ल देख के कोई नहीं कह सकता कि वो एक सीरियल किलर है। तो क्या ये बात कंफर्म हो गई कि उसने लोगों की जान ली है? मिंकी और रिया है ना? रोहन, हाँ मैं ही मिंकी हूँ और ये रिया। पर अगर तुम उन्हें नुकसान पहुँचाना चाहते हो तो नहीं, हम वो नहीं है। आउच मिंकी। ओ, लगता है तुम लोगों ने भी मेरे बारे में वो अफवाह सुनी हुई है। कौन सी अफवाह है? वैसे ये काफी स्टूपिड है, पर किसी ने मेरे बारे में ये अफवाह फैलाई है कि मैं एक क्रिमिनल हूँ, एक किलर हूँ। तो क्या तुम हो? आउच मिंकी। नहीं बिल्कुल नहीं, ये बकवास है, मैं कभी भी एक क्रिमिनल साबित नहीं हुआ हूँ। खैर, मुझे तुम दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, हम फिर मिलेंगे। ये मजाक कर रहा था है ना, इसने ये बात सार्कैज़म में बोली है। मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो मिंकी, मुझे ये सार्कैज़म वगैरह कभी समझ ही नहीं आया। तो आज मैं अपने सोलमेट का लास्ट टेक्स्ट देख सकती हूँ या उसकी हार्ट रेट? मैं देखना चाहूंगी उसका लास्ट टेक्स्ट। और इस तरह से अगर मैं रोहन से खुद को टेक्स्ट करवा लूं, तो मैं रोहन के भेजे हुए टेक्स्ट को यहां लिखे हुए टेक्स्ट से मैच कर सकती हूं, और अगर वो दोनों टेक्स्ट सेम हुए तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि रोहन मेरा सोलमेट है या नहीं।
तो मेरे सोलमेट का लास्ट टेक्स्ट ये था कि आज रात को मुझसे मिलना, पर किसी को साथ में लेकर मत आना। नो 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 नो, आई होप कि वो एक और मर्डर प्लान ना कर रहा हो। मैं नहीं चाहती कि मैं देश भर में एक क्रिमिनल के पार्टनर की इमेज से जानी जाऊँ। हाय रोहन, क्या हुआ मिंकी? क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? पर क्यों? वो मुझे तुमसे कुछ मैथ्स के क्वेश्चन पूछने ताकि मैं उसे सोल्व करके ग्रुप चैट में डाल सकूं। अरे वाह, ये तो काफी अच्छा आइडिया है। वैसे भी मैं मैथ्स में काफी पीछे हूँ। मेरे पुराने स्कूल में तो हमें फ्रैक्शन तक नहीं सिखाया गया था। क्या सच में? हाँ, और ये लो मेरा नंबर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें टेक्स्ट सेंड करती हूँ और तुम उसका रिप्लाई करो, ये चेक करने के लिए कि ठीक से काम कर रहा है या नहीं। इसमें ऐसा क्या है मिंकी जो काम नहीं करेगा? हाँ, पर क्यों ना तुम मुझे इसी वक्त रिप्लाई करो, यू नो, डबल चेकिंग के लिए। अच्छा ठीक है। ओ शिट, क्या हुआ? वो मैं अपना फोन लॉकर में भूल गया और क्लास में शुरू ही होने वाली है, इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वापस जाके अपना फोन ला सकूं। अच्छा ठीक है, पर तुम जितनी जल्दी हो सके अपना फोन लेकर मुझे टेक्स्ट करना। ओके ठीक है मिंकी, बाय। क्या उसने तुम्हें अभी तक टेक्स्ट नहीं किया? नहीं, तो अब मैं प्लान बी ट्राई करने वाली हूँ। और वो क्या है? मैं उसको तब तक टेक्स्ट करती रहूंगी जब तक वो मुझे रिप्लाई ना कर दे। ओ माय गॉड मिंकी, अगर वो सच में तुम्हारा सोलमेट निकला तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा कि तुम कितनी चिपकू टाइप्स हो? रिया, हम इस प्रॉब्लम के बारे में किसी और दिन सोचेंगे, फिलहाल अपने सोलमेट के बारे में पता करना ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है कि उन्हें मुझ पर शक हो गया है। हाँ रोहन, तुम्हें बिल्कुल सही लग रहा है, अब मुझे रिप्लाई करो। हाँ, उसका रिप्लाई आ गया। तो वो क्या बोल रहा है? मेरे नंबर पर स्पैम करना बंद करो और अब तुम ब्लॉक होने वाली हो। खैर कोई बात नहीं, अब बस मुझे ये सेम टेक्स्ट यहाँ पर शो होने का इंतजार है। तो क्या उसका भेजा हुआ टेक्स्ट वहाँ पर शो होने लगा? अभी तक तो नहीं, 3 घंटे हो गए हैं मुझे रोहन का टेक्स्ट आए हुए, पर वो टेक्स्ट यहाँ पर अपडेट ही नहीं हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि रोहन मेरा सोलमेट है। वेल, ये तो अच्छा हुआ कि रोहन एक क्रिमिनल नहीं निकला, पर अब तुम अपने सोलमेट को कैसे ढूंढोगी? मेरे सोलमेट ने जो लास्ट टेक्स्ट सेंड किया है वो एक एड्रेस है और मुझे लगता है कि वो आज रात को वहाँ किसी से मिलने वाला है। नो मिंकी प्लीज, वो मत बोलना जो मैं सोच रही हूँ कि तुम अब बोलने वाली हो। रिया, अब मेरे पास सिर्फ यही एक तरीका बाकी है अपने सोलमेट को ढूंढने का, पर वो जो कोई भी है अगर वो डेंजरस हुआ और अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो? डोंट वरी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो मुझे ना देख पाए। मेरे साथ यहाँ आने के लिए थैंक्स रिया। ऑफ कोर्स मुझे आना ही था क्योंकि फ्रेंड्स अपने फ्रेंड को एक सीरियल किलर के हाथों मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ते। मैं बस वहाँ पहुँच गया हूँ। ओके, वो बस यहाँ आने ही वाले हैं, हमें छुपना होगा, कम ऑन। मुझे लगता है कोई इस तरफ आ रहा है, वो देखो वहाँ पर। हाँ, ये कौन है? नहीं पता, पर वो देखो रोहन भी वहाँ आया है। अच्छा हुआ जो तुम किसी को अपने साथ नहीं लेकर आए, मैं इस मोमेंट पे किसी भी हालत में पकड़ा नहीं जा सकता। हाँ मैं समझता हूँ, अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें इसके लिए कितने पैसे चाहिए? मुझे लगता है कि ये रोहन का क्राइम पार्टनर है शायद। हाँ। ओह नो, मुझे छींक आने वाली है। नोरिया, उसे कंट्रोल करो, तुम यहाँ पर नहीं छींक सकती। कौन है वहाँ? क्या तुम किसी को अपने साथ लेकर आए हो? क्या तुम मुझे फंसाना चाहते हो? आखिर तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? रुक जाओ, प्लीज उसे मारना मत। मिंकी, क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? नहीं, मैं उसे फॉलो कर रही हूँ, वो मेरा सोलमेट है। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। वेल, तुम मेरे सोलमेट हो, क्या तुम्हारा लास्ट टेक्स्ट ये था कि आई एम ऑलमोस्ट देयर? ये तो मेरे लास्ट टेक्स्ट है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पहले भी तुमने मुझे टेक्स्ट किया था कि मेरे नंबर पर स्पैम करना बंद करो, पर वो टेक्स्ट मेरे सोलमेट लास्ट टेक्स्ट अलर्ट में कभी अपडेट ही नहीं हुआ। ओ हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि मैंने तुम्हें गलती से अपनी मॉम का नंबर दे दिया था। मेरा और मेरी मॉम का नंबर काफी हद तक सेम है, इसलिए मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। ओ वेल, अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। तो तुमने यहाँ तक मेरा पीछा इसलिए किया ताकि तुम पता लगा सको कि तुम्हारा सोलमेट कौन है? हाँ, और ये भी देखने के लिए कि तुम वाकई में एक मर्डर हो या नहीं। रिया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? वेट वेट गाइस, तुम लोग जानते हो ना कि जब मैंने वो बात बोली थी तो वो एक सार्कास्टिक वे में था। देखो रोहन, तुम्हें हमसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हारी सर्च हिस्ट्री भी देखी हुई है और तुम्हारा बॉडी काउंट भी देखा हुआ है, तो तुम्हें ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। मेरी सर्च हिस्ट्री? वेट वेट, क्या तुम उस बारे में बात कर रही हो जब मैं गूगल पर सीरियल किलर्स के बारे में रिसर्च कर रहा था? हाँ। ओह माय गॉड, वो तो हमारे हिस्ट्री असाइनमेंट के लिए था जिसका टॉपिक एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। और रही बात मेरे बॉडी काउंट की, तो वो थोड़ा पर्सनल है, पर उसका मतलब किल्ड काउंट नहीं होता मिंकी। फिर उसका मतलब क्या होता है? ओ तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए माफी चाहता हूँ मिंकी, पर मैंने कभी किसी की जान नहीं ली। तो फिर तुम दोनों यहाँ स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर अकेले क्या करने आए थे? अगर तुम्हें जानना ही है तो ठीक है, मैं रॉकी का होमवर्क करता हूँ ताकि मैं थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमा सकूं। और ये जगह मेरे और इसके घर के बीच में पड़ती है, इसलिए ये जगह हमारे मिलने के लिए परफेक्ट है, जहाँ कोई भी ये देख नहीं सकता कि रॉकी अपना होमवर्क खुद नहीं करता। मानता हूँ ये जगह थोड़ी अजीब है, पर इसमें हमारी क्या गलती? और ये एक्सक्यूज काफी बोरिंग था रोहन। वेल, मैं ऐसा ही हूँ रिया, थोड़ा बोरिंग टाइप। तुम जैसे भी हो मेरे हो। ठीक है बस बहुत हुआ, कम ऑन मिंकी, अब हमें घर वापस चलना चाहिए, इससे पहले कि तुम्हारे पेरेंट्स को पता चले कि हम घर से चोरी छुप के भाग के आए। बाय रोहन। बाय मिंकी, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। हे रुक जाओ, ये लो, ये मेरा रियल नंबर है। मिंकी चलो। हाँ आई, बाय बाय बाय।